वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे आपको पता ही होगा, जापान ऑटोमोटिव सेक्टर में वर्ल्ड में एक नंबर पे है। जैसे एडवांस कार, इलेक्ट्रिकल कार और ऑटोमेटेड कार, सो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें जापान एक नंबर पे है। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको 4 साल बाद जो गाड़ी आने वाली है मार्केट में वो देखने को मिलेगी। तो जापान में एक शो है, कार मोबिलिटी शो। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसी नई नई गाड़ी आने वाली है फ्यूचर में। दोस्तों फिर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, होंडा की न्यू चेयर है जो आपके गेस्चर से चलती है। जैसे आप राइट झुकेंगे तो राइट मुड़ जाएगी, लेफ्ट झुकेंगे तो लेफ्ट मुड़ेगी, आगे झुकेंगे तो आगे चलेगी। अभी ये लड़की है जो चला के दिखा रही है, जैसे वो आगे झुक रही तो आगे आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चेयर है। अभी हम जा रहे हैं कावासाकी सेक्शन में। चलो दोस्तों, देखते हैं फिर कावासाकी की न्यू लॉन्च होने वाली निंजा बाइक्स। आप देख सकते हैं कावासाकी ने बहुत ही अच्छी जो न्यू वर्जन में बाइक बनाई है, तो ये मार्केट में आने वाली है कावासाकी निंजा। ये बहुत ही अच्छी दिख रही है और 2 वर्जन लॉन्च करने वाले हैं फ्यूचर में। आप देख सकते हैं कितनी स्टाइलिश और कितनी अच्छी पावरफुल निंजा बाइक है। तो यहाँ पे वो लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में ये दोनों बाइक को लॉन्च करने वाले हैं तो कैसी है। ये तो ना बाइक है ना कार है, जैसे कि 2 सीटर ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छी कार बनाई है उन्होंने। तो उसका सस्पेंशन देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, और यहाँ पे बैठ के आप जैसे बाहर घूम सकते हैं। ये दूसरी है ले लैंड की, तो आप देखिए कितनी स्टाइलिश और अच्छी बनाई है। हमारी मैडम वो जाके टेस्ट कर रही है अभी, तो कैसी है, क्या है, कितनी कंफर्टेबल है, कैसे है इंटीरियर उसका, और सब चेक करते हैं। ये लोग हमें अलाउ करते हैं अंदर जाके बैठने के लिए, देखने के लिए, तो जो फ्यूचर में आने वाले मॉडल से हम देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं BYD कार सेक्शन में, जो है बिल्ड योर ड्रीम कार सेक्शन। ये देखिए, हम अंदर अभी शो देख रहे हैं, तो यहाँ पे उन लोगों ने आइसक्रीम की वेंडिंग मशीन भी लगाई है। अभी मैडम ने 200 येन डाले हैं और हम अभी आइसक्रीम ले रहे हैं वेनिला। तो अभी ये वेनिला आइसक्रीम नीचे आएगी, तो यहाँ पे आ गई, तो अभी हम यहाँ से आइसक्रीम उठाएंगे। ये देखिए आइसक्रीम मिल गई। अभी हम आए हैं माजडा सेक्शन में। तो माजडा ने यहाँ पे जितनी भी मार्केट्स में गाड़ियाँ है उनके स्मॉल वर्जन लगा है, इंक्लूडिंग उनके खुद की व्हीकल्स। तो आप देखिए कितने छोटे छोटे सेक्शन में उन्होंने ये जो फिजिकल आइडेंटिटी बनाई है। चलो अभी चलते हैं फेमस कार मैन्युफैक्चर के पास, जो है मर्सिडीज़। देखिए कितनी अच्छी मर्सिडीज़ ने अभी कार बनाने वाले है जो फ्यूचर में लॉन्च होगी। फुल SUV है, फुल जैसे अपनी थार जैसी दिख रही ना, बहुत अच्छी कार दिख रही है और फुल्ली इलेक्ट्रिकल है। वाह, देखिए सुपर स्पोर्ट कार, हाई स्पीड कार जो है टोयोटा की। देखिए कितनी अच्छी कार बनाई है टोयोटा ने, और उनका भी फर्स्ट व्यू लॉन्च करने वाले हैं लोग। तो कलर कितनी अच्छी है और बहुत हाई स्पीड रहेगी इस कार की। देखिए कितनी अच्छी स्पोर्ट्स कार दिख रही है, यहाँ पे चलाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा जो है टोयोटा की। और जो टोयोटा ने नेक्स्ट कार भी लॉन्च करने वाले है, ये देखिए नॉर्मल व्हीकल जो रहती है, EV है ये पूरी। ये देखिए कार कम बाइक, बाइक को ही पीछे थोड़ा ट्रॉली जैसे बनाया है, तो हम उसमें मटर लेके जा सकते हैं। पूरी रॉयल इनफील्ड की कॉपी लग रही है, और पीछे उन्होंने कुछ तो लगे जैसे बनाया है। ये देखिए जैसे 3 व्हीलर रहता है ऑटो रिक्शा, वैसे ही ये वाली दिख रही है, और इसकी स्टाइलिंग तो बहुत पुरानी टाइप की लग रही है। आगे चेक के देखते हैं क्या क्या कौन सी गाड़ियाँ है। ये वाली स्टाइलिंग शायद 1957 की है, ये भी बहुत पुरानी स्टाइलिंग की कार है, लेकिन जो है पूरी पावरफुल। हेलो दोस्तों, ये है फ्रंट गियर स्टेयरिंग का ये गियर है, और अभी हम स्टेयर व्हील घुमाते हैं। तो यहाँ से घूमेगा तो ये जैसे कि हम घुमाते हैं, लेकिन ये टायर घूमते हमारे। तो ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तो मैं भी ऐसे फ्रंट स्टेयरिंग और रियर स्टेयरिंग पे काम करता हूँ, तो
तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि रियर व्हील स्टीयरिंग क्या होती है। तो जैसे पीछे के भी जो व्हील से गाड़ी की वो भी घूमेंगे, टर्न होंगे, तो आप देख सकते हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि ये पीछे वाले जो व्हील से गाड़ी के वो भी टर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जैसे आपकी आगे के व्हील्स घूमते हैं वैसे ये व्हीकल टर्न करेगी। तो बहुत ही कम जैसे जगह में गाड़ी घूम सकती है 360 डिग्री में। आप देख सकते हो ये छोटे बच्चों के लिए है एक्चुअली, बट हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं और अभी मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कि वो उठा पाते हैं या नहीं। शायद उनको कुछ डिफिकल्टी आ रही है। こんにちは。 तुम्हारा नाम क्या है? दोस्तों ये देखो रोबोट्स इन जापान, ऐसे ही रोबोट आपको इधर के होटल में मिलेंगे खाना सर्व करते हुए, आप जो बोलेंगे वो आपको फॉलो करेंगे और आपको जो भी चाहिए वो करके दे देंगे। दोस्तों ये देखिए ड्रोन है, हेलीकॉप्टर चलते वैसे ही ड्रोन ही है। चलो अब चलते हैं हाई स्पीड स्पोर्ट कार सेक्शन में। आप देख सकते हैं बी विद कंपनी की वेरी वेरी हाई स्पीड कार, बहुत ही अच्छी लुक है उसका। और उसका डोर देखिए कैसे खुलता है, ये साइड व्यू से देख सकते हैं आप। उनका इंटीरियर देखिए कितना अच्छा है, सीट्स वगैरह व्हील्स बहुत ही अच्छे हैं और स्टीयरिंग भी देख सकते हैं आप कितने अच्छी स्टीयरिंग है, बहुत ही हाई स्पीड कार है ये। आप देख सकते हैं आप लोगों को सबको जो पसंद थे हाई स्पोर्ट कार मैन्युफैक्चरर जो कि है लैम्बोर्गिनी, तो ये देखिए लैम्बोर्गिनी की सबसे अच्छी कार है। आप देख सकते हैं कितनी स्टाइलिश लुक बनाया है उन्होंने, स्टाइलिंग देखिए कितनी गजब है और उस पर उन्होंने पूरी जापानीज का लिखा है। ये देखिए ये लैम्बोर्गिनी का लोगो और ये बहुत ही सुपर हाई स्पीड कार है, तो जो रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है वो वाली कार है ये। और आप देख सकते हैं उसका डोर्स कैसे खुलते हैं, बहुत ही अच्छी कार है। दोस्तों देखिए अभी लैम्बोर्गिनी की गाड़ी है, देखिए कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन से आप देख सकते हैं कलर और उनका लुक। अब ये सब गाड़ी अभी डिज़ाइन स्टेज में है, कुछ टाइम बाद अभी ये मार्केट में आएगी। ये देखिए थोड़ा ओल्ड स्टाइल की है लेकिन अभी नई बनेगी गाड़ी और अभी मार्केट में आएगी। ये देखिए ये फरारी की है, ये आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स कार है, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है।
लैम्बोर्गिनी की है और आज उन्होंने जापान सुपर कार एसोसिएशन में डाला है। और हम इस अंदर जाके हम बैठ सकते हैं, देख सकते हैं इंटीरियर कैसा है और जो एक्चुअल में फील आता है उसका फील हम ले सकते हैं। अभी मैं जाके देखता हूँ अंदर कैसी है क्या है। चलो फिर देखते हैं लैम्बोर्गिनी की सुपर कार कैसी होती है। चलो अभी चलते हैं फरारी की टॉप स्पीड और हम जो बोलते हैं स्पोर्ट्स कार में। ऐसी डिज़ाइन अपनी मूवी में देखी होगी, बहुत ही हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार है फरारी की। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है और जो हम फास्ट एंड फ्यूरियस में देखते हैं वैसी दिख रही है। तो अभी ये फ्यूचर में लॉन्च करेंगे शायद, तो देखिए उसका फर्स्ट लुक कैसा है। बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स कार दिख रही है। जैसे हम उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं सेम उन्होंने बनाया है। और ये जब मतलब एक्चुअली में भी उनका शो अभी बंद है, लेकिन वो चला के भी दिखाते हैं पूरा, वो कैसे चलेगा हाथ पैर उसके कैसे चलते हैं वो सब दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ये कैसे चलता है, कैसे एक्शन लेता है, उसके अंदर जो आदमी बैठा है उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, आगे पैसे कैसे घूमता है, स्पीड चेंज, कैमराज और उसके आर्म्स कैसे चलते हैं, लेग्स कैसे चलते हैं, उसका स्पीड है, जैसे ट्रांसफार्मर मूवी में दिखाते हैं वैसे उन्होंने यहाँ पे बनाया है। ये है फरारी का नया मॉडल जो अभी मार्केट में अवेलेबल होगा कुछ दिन बाद। आप देख सकते हैं कितना अच्छी कार है। और जो स्पोर्ट बाइक बोलते हैं वैसे एक मस्त अच्छे से फरारी की भी नई गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाड़ी है। देखिए दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल और बने रहे हमारे साथ। चलो बाय बाय।